सिसवाली पुलिस ने 11 माह से फरार चल रहा एक अपहरणकर्ता को गिरफ्तार किया है और थाने ले आई है, जहां कोरोना जांच सैंपलिंग ली गई है। गिरफ्तार युवक की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद पूरा थाना स्टाफ दहशत में आ गया है। वहीं मेडिकल टीम द्वारा थाने में तैनात कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल सहित 11 पुलिस जवानों की कोरोना सैंपलिंग ली गई। पुलिस थाना अधिकारी रामहेतार पार्थ ने बताया है कि थाने में 1 जुलाई 2019 को सिसवाली निवासी एक लड़की के पिता ने रामनगर की झोपड़िया थाना देवली मांझी निवासी युवक पर अपनी बेटी का अपहरण कर ले जाने का मामला दर्ज कराया गया था, जो 11 माह से फरार चल रहा था, जिसको सिसवाली पुलिस ने 22 जून को रामनगर की झोपड़िया थाना देवली मांझी से दस्तयाब किया। उसके 22 जून को 12 में कोरोना टेस्ट करवाकर सिसवाली थाने में लाया गया, जहाँ 24 जून को गिरफ्तार युवक की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। गिरफ्तार युवक की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद पूरा थाना स्टाफ दहशत में आ गया। वहीं सिसवाली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के कोरोना सैंपलिंग इंचार्ज डॉक्टर अशोक कुमार नरेंद्र सामरिया द्वारा बुधवार सुबह को पुलिस थाने में पहुंचकर गिरफ्तार युवक के संपर्क में आए थाने के कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल सहित 11 पुलिस जवानों की कोरोना सैंपलिंग ली गई। वहीं कोरोना मुलजिमान को पुलिस कस्टडी में न्यू मेडिकल हॉस्पिटल कोटा भेजा गया। पुलिस थाने में मेडिकल टीम, चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर कन्हैयालाल मीणा, अनिता बनर्जी, सुनीता मीणा, मदन गोपाल शर्मा, नायब तहसीलदार बंशीलाल मीणा कानूनगा, शंभुदयाल स्वामी पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी बंटी मेघवाल उपस्थित रहे। 1/7/2019 को शीश वाली कस्बे की लड़की का अपहरण का केस था, तभी से लड़की लापता थी। दिनांक 20/6/2020 को लड़की को दस्तयाब कर मेडिकल करवाया, वो 164 के बयान करवाए। उसके बयानों के अनुसार मुलजिम रोगी को दिनांक 20/6/2020 को डिटेन कर कोरोना टेस्ट करवाया था। तत्पश्चात कल दिनांक 23 को मुझे को गिरफ्तार किया था, जिसकी आज कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर उसके संपर्क में आए सभी पुलिस जाब्ते की सैंपलिंग मेडिकल टीम से करवा दी गई है।